हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट की वर्तमान शैक्षिक गतिविधि एवं नवाचार वाले टॉपिक पर बात करेंगे कि वर्तमान में राजस्थान सरकार के द्वारा कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं और ऐसे कौन से नवाचार हैं। नवाचार का अर्थ होता है कि कौन कौन से नए तरीके जो शिक्षा में उपयोग में लाए जा रहे हैं। देखिए, ये टॉपिक है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर का, जो स्कूल मैनेजमेंट वाला टॉपिक है उसका जो टॉपिक है वर्तमान शैक्षिक गतिविधियां और नवाचार, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड से संबंधित प्लेलिस्ट में जाएंगे तो हिस्ट्री विषय की क्लासेज हैं वो सारी पड़ी हुई हैं, साइंस की क्लासेज हैं वो पड़ी हुई हैं, और स्कूल मैनेजमेंट की क्लासेज भी आपको मिल जाएंगी। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन क्लासेज को देख सकते हो और अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बना सकते हो और कम समय में रिवाइज कर सकते हो। तो चलिए आगे हम बात करें कि वर्तमान शैक्षिक गतिविधियां एवं नवाचार के अंतर्गत पहली जो नवाचार योजना है वह है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। इसका शुभारंभ कब किया गया है? 12 जून 2021 को, और यह 100% राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। और इस योजना का जो उद्देश्य है वह है, मुख्य उद्देश्य, कोरोना काल में माता पिता दोनों के खोने वाले बेसहारा बच्चों को तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख का एक मुफ्त अनुदान तथा 18 वर्ष पूर्ण होने तक 2500 रुपये मासिक जो आर्थिक सहायता है वह, और अनाथ बालक बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख एक मुफ्त सहायता दी जाएगी। इस योजना में 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की सुविधा सार्वजनिक विद्यालय छात्रावास के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी कि भाई जिन बच्चों के माता पिता नहीं है उनको 12वीं तक की जो पढ़ाई है वह निःशुल्क कराई जाए। तो एक बार हम दोबारा रिवाइज करेंगे, कोरोना बाल कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना का शुभारंभ 12 जून 2021 को किया गया है और पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोरोना काल में जो जिन बच्चों के माता पिता नहीं रहे, चले गए, उनको तत्काल तो 1 लाख रुपए सहायता और 18 वर्ष पूर्ण होने तक 2500 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी, और अनाथ जो बालक बालिका 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उन्हें 5 लाख एक मुफ्त सहायता दी जाएगी, और 12वीं तक पढ़ाई की व्यवस्था जो भी सरकारी स्कूल है, छात्रावास है, उनमें उपलब्ध कराई जाएगी। और ये जो सुविधा है वह पूरी तरह से क्या होगी, निःशुल्क होगी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, शिक्षा मंत्रालय 17 अगस्त 2020 को MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और MHRD का गठन कब किया गया था? 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। देखिए, आप पहले केंद्र में एक विभाग का नाम सुनते होंगे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और मंत्री का भी नाम होता था MHRD मिनिस्टर, MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय मंत्री। तो इसका जो कार्य था वह था शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना। वर्तमान में जो मोदी सरकार है उसने इस विभाग का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो और यह किया 17 अगस्त 2020 को MHRD का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि MHRD का नाम बदलकर कब शिक्षा मंत्रालय किया गया? तो यह किया गया 17 अगस्त 2020 को। आगे हम बात करें निपुण भारत कार्यक्रम। देखिए, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, निपुण की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। निपुण की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसका शुभारंभ, निपुण कार्यक्रम का शुभारंभ 5 जुलाई 2021 को किया गया है। ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिवाइज करके रखें। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शिक्षा का एक ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें साक्षरता और संख्या ज्ञान की नींव तैयार की जाती है। और इसके इसमें विशेष क्या है? निपुण भारत को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा तैयार किया गया है? स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा इस योजना को तैयार किया गया है। अगला है स्टार योजना। देखिए, स्टार योजना, स्टार्स की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। यह है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट। तो स्टार्स की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है।
इसका शुभारंभ कब किया गया? 16 अक्टूबर 2020 को किया गया। यह केंद्र सरकार व विश्व बैंक की योजना है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार्स योजना किसके द्वारा वित्त पोषित है? केंद्र सरकार और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाना स्टार्स योजना का उद्देश्य है। और इसका मूल्यांकन, मूल्यांकन के लिए परख नामक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की गई है। तो स्टार्स योजना के तहत परख नामक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की गई है। आगे हम बात करें देववाणी ऐप, किसके बारे में? देववाणी ऐप, इसका प्रारंभ 18 अगस्त 2020 को किया गया है। इसकी नोडल एजेंसी है संस्कृत शिक्षा विभाग। तो देखिए, जितनी भी संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसीज अभी निकली हुई है और उसके अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको पूछा जा सकता है कि संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत देववाणी ऐप चलाया जा रहा है और इसका जो लक्ष्य उद्देश्य है वह है संस्कृत शिक्षा के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना। इसका क्या है लक्ष्य? है संस्कृत शिक्षा के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम मिड डे मील, इसका शुभारंभ 15 अगस्त 1995 को तमिलनाडु से किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मिड डे मील योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 को तमिलनाडु से किया गया। और राजस्थान में संचालन आयुक्त पंचायती राज व निदेशक निदेशक विभाग के द्वारा किया जा रहा है। और वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के अंतर्गत इस मिड डे मील योजना को संचालित किया जा रहा है। और इसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है? आयुक्त और निदेशक होते हैं पंचायत राज विभाग का, आयुक्त और निदेशक। इसका नाम परिवर्तन किया गया है, नाम 29 सितंबर 2021 को मिड डे मील योजना का नाम परिवर्तन करके क्या रख दिया गया है? प्रधानमंत्री पोषण योजना। ये आप याद रखें, ये कंफ्यूजेटिव क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। और इसकी अवधि है 2021 से 2022, 2021-22 से लेकर 2025-26 तक। तो देखिए, आने वाली परीक्षाओं के लिए ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आपको याद रखने का जरूरी है। मिड डे मील योजना का नाम प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है 29 सितंबर 2021 को, और यह अवधि जो है वह कब तक तो चलेगी? 2026 तक। तो इस तरह से हमने जो भी नवाचार हैं, वर्तमान की शैक्षिक गतिविधियां हैं, उन सभी के बारे में चर्चा की। और स्कूल मैनेजमेंट के अन्य टॉपिकों को भी हम लगातार क्लास लेते जा रहे हैं, उनको भी आप देखते रहिए। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।